ये एक टाइप का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है जैसे हाइड्रोलिक होता है, बस डिफरेंस ये है कि हाइड्रोलिक में हम वाटर यूज़ करते थे पावर मतलब ट्रांसमिट करने के लिए, यहाँ पे हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट। तो ऊपर ऊपर से अभी बता देता हूँ क्या होता है कि पहले मैकेनिकल एनर्जी है, एनर्जी जो कि रोटेशन या शाफ्ट के द्वारा कंप्रेसर शाफ्ट के द्वारा कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंप्रेसर में एयर कंप्रेस होके वो जाएगा किस में, एक्चुएटर में, ठीक है, थ्रू पाइप्स या वॉल्स, फिर हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ कर सकते। यहाँ पे हम फिगर में देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है। एयर ड्रायर है, एयर रिसीवर टैंक है, हाँ मोटर है, फिल्टर है, फिर FRL यूनिट बोलते हैं उसको, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, फिर मफलर है, फिर बाद में ये, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लीवर मैकेनिज्म है, यहाँ पे सोलेनोइड भी हो सकता है, यहाँ पे पुश बटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये 4x2 कंट्रोल वाल्व डायरेक्शन, और यहाँ पे है फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ इंटीग्रल चेक वाल्व, ठीक है। फिर एक डबल एक्टिंग सिलेंडर, सबसे पहले ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, बाकी आगे कंपोनेंट वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे आते हैं हम एटमोसफियर से एयर लेंगे जो कि मोटर के द्वारा, फिर एयर ड्रायर जो एयर में अगर पार्टिकल्स हो, प्योर एकदम ड्राई को, एयर को ड्राई कर देंगे हम, ड्राई करके फिर हम उसको रिसीवर, एयर रिसीवर टैंक में भेज देंगे, फिर FRL यूनिट से वो जाएगा 4x2 डायरेक्शन वाल्व कंट्रोल वाल्व। FRL में पहले फिल्टर होगा, फिर रेगुलेटर होगा, फिर लुब्रिकेट करके हम 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में भेजेंगे। फिर यहाँ से जो तीन फोर डायरेक्शन और टू वॉल्व होते हैं वो मैं आगे बताऊँगा फिर कि कैसे होगा। और यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये अब यहाँ पे पिस्टन है, तो ये पहले सेट धक्का देगा, फिर हम दूसरी पोजीशन चेंज करेंगे क्योंकि ये टू पोजीशन है, तो फिर यहाँ से धक्का देगा। तो मैं आगे बताऊँगा ये वन बाय वन सब कंपोनेंट्स का क्या होता है, आज के लिए खाली इतना ही कि ऊपर ऊपर बता दो, स्टार्टिंग वीडियो है, ठीक है, थैंक यू।